दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टॉप 10 फ्री जीके जीएस क्विज टेम्पलेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में जो है आप जीके जीएस टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है कई सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर आप जो पीपीटी लिंक उसमें दिए हैं वो सर उससे सर बाय करना होगा, क्या हमें पीपीटी खरीदना होगा, क्या सर ये हमें पीपीटी फ्री में नहीं मिल सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है बिल्कुल फ्री में जो है इस तरह के जीके जीएस वाली पीपीटी मिल सकता है। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, सारा कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडटेक मित्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों मैं आपको डेमो दिखा देता हूं कि आपको मैं जिस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, जहां से दोस्तों आप फ्री में पीपीटी डाउनलोड करेंगे, वो पीपीटी कैसा होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो है एक पीपीटी डाउनलोड किया है और इसी का मैं आपको जो है डेमो दिखाऊंगा। पहले दोस्तों आप डेमो देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ मुझे इस तरह का पीपीटी डाउनलोड करना है, इस तरह का टेम्पलेट हमें डाउनलोड करना है, तो उसके बाद दोस्तों आपको जो मैं वेबसाइट बताऊँगा उस पर जा करके आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम डेमो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का ये है। ठीक है, ये कौन बनेगा करोड़पति जैसा, दोस्तों इसका जो थीम है, ये जो टेम्पलेट है, ये बिल्कुल जो है कौन बनेगा करोड़पति जैसा ही है। ठीक है, अब चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं। इस तरह से दोस्तों आपका जो है सवाल आएगा, उसके बाद चार ऑप्शन आएंगे। ठीक है, और उसका जो भी आंसर सही है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है पहला सवाल यहाँ है $500, ये जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग जो है इस तरह से $500 जीत लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट राउंड खेलेंगे $1000 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है दूसरा सवाल आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सवाल टाइप कर लेंगे और यहाँ पे ऑप्शन ABCD आप टाइप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आंसर सही होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपने जो है $1000 जीत लिया है। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे $2000 नेक्स्ट सवाल के लिए आएगा। ठीक है, अगर आप सही आंसर देते हैं तो $2000 जीतते हैं। इस तरह का गेम दोस्तों आप अपने चैनल पे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये टेम्पलेट जो है बना हुआ है। ठीक है, आपको इसे कैसे यूज करना है वो सारा कुछ तो मैं अपने वीडियो में बताता ही रहता हूँ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तब तो आपको नहीं मालूम, लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पुराने हैं तो आपको मालूम होगा कि मैंने जो है कई तरह के दोस्तों मैंने जो है जीके जीएस वाले पीपीटी टेम्पलेट बनाना बताया है, तो वो देखे होंगे। तो आपको जो है ये सारा कुछ एडिट करना और इसे यूज करना जो है कोई मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी से जो है इस टेम्पलेट को यूज कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है या तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या मैं ये कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी सवाल होगा आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे व्यू टैब में जाते हैं और यहाँ स्लाइड मास्टर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों ये जो टेम्पलेट है ये स्लाइड मास्टर में नहीं बना हुआ है, ये जो है बिल्कुल नॉर्मल स्लाइड पर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इस टेम्पलेट को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप इसे यूज कीजिए। अगर कोई भी समस्या आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप जो है कई तरह के टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है अब ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल ओपन होने के बाद दोस्तों आपको जो है गूगल में, ठीक है, तो दोस्तों आप लिख लेंगे गूगल में जीके क्विज पीपीटी टेम्पलेट, उसके बाद आप एंटर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है एक वेबसाइट नज़र आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है 10 फ्री इंटरेक्टिव पावर पॉइंट क्विज टेम्पलेट 2021। ठीक है, जैसे दोस्तों आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा पावर पॉइंट क्विज टेम्पलेट टॉप फ्री क्विज डिजाइन। ठीक है, ये किस किस तरह के डिजाइन होंगे ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, एक आपको इस तरह का मिलेगा, दूसरा इस तरह का मिलेगा, ये सारा जो है आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है 10 टेम्पलेट यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो ये आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा नीचे आइए,
पहला टेम्पलेट है दोस्तों गैलेक्सी क्विज, कुछ इस तरह का जो है ये टेम्पलेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप सवाल टाइप करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी टाइप करेंगे, ठीक है, और यहाँ से दोस्तों आप जो है डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा टेम्पलेट जो है दोस्तों कुछ इस तरह से है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे सारा कुछ जो है आपको बताया गया है, आप इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कैसे क्या करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड, आप इस पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा टेम्पलेट दोस्तों कुछ इस तरह से है, ठीक है, इसमें आपको जो है क्वेश्चन से रिलेटेड इमेज यहाँ पे इंसर्ट कराना है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ऑप्शन में ए बी सी डी जो भी लिखना है लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड, आप डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जो है 10 टेम्पलेट आपको फ्री में मिल रहे हैं। अब जैसे कि मान लिया जाए कि मुझे ये टेम्पलेट चाहिए, तो ये मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड, डाउनलोड पे आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो है कुछ नहीं करना है, बस इसे जहाँ भी डाउनलोड करना है, जैसे मुझे डेस्कटॉप पे करना है तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ सेव पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि आपने जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं यस कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों ये जो है टेम्पलेट हमारे पीसी में डाउनलोड हो गया है। अब इसे मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ओपन पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है। चलिए इसे मैं क्लोज कर देता हूँ इस वेबसाइट को, अब इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपने सीख लिया कि ये जो है क्विज टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल इनेबल एडिटिंग, आप इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है, और स्टार्टिंग के कुछ स्लाइड दोस्तों आपको डिलीट कर लेना है, ठीक है। यहाँ स्लाइड है, इस पर आप क्लिक कीजिए और डिलीट बटन से आप डिलीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है आपका क्विज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप सवाल कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बाकी यहाँ भी ऑप्शन भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरे तरह का जो है टेम्पलेट इसी में शामिल है, तीसरे तरह का टेम्पलेट इसी में शामिल है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों कई तरह के जो है टेम्पलेट आपको मिल जाता है, ठीक है, और सभी टेम्पलेट दोस्तों सेम तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ स्लाइड शो पर क्लिक करके यहाँ से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से ये सवाल आएगा और जो भी आंसर होगा आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कैसे यूज करना है ये सारा कुछ दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। सिर्फ मैं आपको इसमें जो है दिखा देता हूँ कि कैसा ये सारा कुछ रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इसे यूज कीजिए और उसके बाद हमें बताइए कि ये टेम्पलेट आपको कैसा लगा, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और है कि ये देखिए फ्री टेम्पलेट है, ठीक है। आप इसमें मान लिया जाए कि कॉपी पेस्ट करके वीडियो बनाते हैं, हो सकता है कि इसमें कई सारे प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। हो सकता है दोस्तों कि इसमें जिसका वेबसाइट है जो इसे बना करके अपलोड किए हैं, हो सकता है कि कभी ना कभी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे, ऐसा भी दोस्तों हो सकता है। तो इसका जिम्मेवार दोस्तों आप खुद होंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरा जो है ये टेम्पलेट नहीं है, मैंने इसे नहीं बनाया है। लेकिन दोस्तों जब आप मेरे लिंक से मेरा बनाया हुआ टेम्पलेट आप खरीदते हैं और आप उसे यूज करते हैं, उसमें दोस्तों आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं दे सकता। जो मेरा टेम्पलेट खरीदता है वो अगर मेरा टेम्पलेट यूज करता है तो मैं उसे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आपके पास एक जो है प्रूफ होता है कि मैंने आपको जो है पैसे दे करके ये चीज़ बाय किया है। आपके पास जो है मेरा टेम्पलेट का बिल होता है, ठीक है, जो कि आपके ईमेल पर लाइफ टाइम के लिए वो रहता है। तो इसलिए दोस्तों मैं चाहकर भी उस टेम्पलेट पे जो है कॉपीराइट नहीं दे सकता। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आप जो है फ्री वाले टेम्पलेट को यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाया है कि जीके जीएस वाले टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं, कैसे वीडियो इस तरह का बना सकते हैं, वो वीडियो देख करके दोस्तों आप पीपीटी बनाना सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं बनाना आ रहा है या जो है आपको लगता है कि ये हमसे नहीं बन पाएगा इतना अच्छा, उसके बाद दोस्तों मेरा जो जीके जीएस वाली वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप वहां से क्लिक करके जो है आप इस तरह के टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैं दोस्तों फुल गारंटी देता हूं कि आपको कभी भी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, ठीक है। तो अब बाकी आपकी मर्जी है कि आप फ्री वाला यूज करेंगे या मेरा जो है टेम्पलेट बाय करके उसे यूज करेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद नहीं आया तो इस वीडियो को डिसलाइक करें। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।